देश भर में चल रहे चुनावी शोर के बीच यूपी की दो लोकसभा सीटें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। इनमें से एक है अमेठी और दूसरी है रायबरेली। दोनों सीटों पर चर्चा इसलिए गर्म है क्योंकि इन दोनों ही लोकसभा सीटों से कांग्रेस का पुश्तैनी नाता रहा है। आज के इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक इन दोनों सीटों पर अपने लिए वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। दो दशक के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब अमेठी लोकसभा सीट से नेहरू गांधी परिवार की जगह कांग्रेस के टिकट पर कोई और चुनाव लड़ने जा रहा है। बरसों से नेहरू गांधी परिवार का लॉन्चिंग पैड रही अमेठी सीट से इस बार बीजेपी के दिग्गज नेता स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस के एलके शर्मा पर दाव लगाया गया है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार के डर से गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहता, जबकि ये सीट हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही है। यहीं से संजय गांधी ने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की थी। इसी सीट की वजह से पीएम रहते हुए इंदिरा गांधी ने अपनी बहू मेनका को घर से निकाल दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 5 दशक से जो सीट गांधी परिवार के लोगों के लिए लॉन्चिंग पैड का काम करती रही है, एक ही हार के बाद उस सीट से गांधी परिवार का मोह भंग हो गया है। 2019 में राहुल गांधी यहां से चुनाव क्या हारे, सीधे वायनाड चले गए। अब वापस लौटे तो रायबरेली से पर्चा भर दिया। तो चलिए अब रायबरेली का थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। ये वही सीट है जहां से आजादी के बाद हुए पहले आम चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने अपने दामाद फिरोज गांधी को मैदान में उतारा था। ये वही सीट है जहां से चुनाव में धांधली के आरोपों के बाद इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल करियर दांव पर लग गया था। इसी सीट की वजह से देश में इमरजेंसी थोपी गई थी। इसी सीट से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी लगातार 20 साल तक सांसद रही थी और अब यही रायबरेली की सबसे सुरक्षित सीट उन्होंने अपने बेटे राहुल गांधी के लिए त्याग दी है। इतिहासकारों की माने तो गांधी परिवार का अमेठी से रिश्ता तब से है जब अमेठी के राजा रणजय सिंह का साम्राज्य ब्रिटिश सरकार जब्त करना चाहती थी। तब राजा साहब ने मोतीलाल नेहरू से उनके लिए मुकदमा लड़ने की गुजारिश की थी। पंडित मोतीलाल नेहरू उस दौर के चर्चित वकीलों में से एक तो थे ही। 19वीं सदी के पहले दशक में मोतीलाल नेहरू केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद चुनाव भी लड़े थे। पिता की तरह जवाहरलाल नेहरू ने भी 1926 में फैजाबाद मछली शहर की संयुक्त सीट से चुनाव लड़ा। इसके बाद नेहरू परिवार ने अमेठी रियासत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना लिया और यहीं से चुनावों का संचालन करते रहे। कहा जाता है कि मोतीलाल के बाद जवाहर भी राजा रणजय सिंह के पारिवारिक वकील थे। इसी वजह से नेहरू और राजा के बीच पारिवारिक रिश्ते बन गए थे। 1947 में देश आजाद हुआ तो 543 रियासतों का बंटवारा हुआ। अमेठी रियासत का भी देश में विलय हो गया। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अमेठी रियासत के राजा रणजय सिंह को मंत्री बनने का ऑफर दिया, लेकिन राजा साहब ने मना कर दिया। वक्त गुजरा, 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो चुका था और उसके 3 साल बाद 1967 में अमेठी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। शुरुआती दो चुनाव 1967 और 1971 में कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी ने यहां से जीत दर्ज की। 1975 में देश में इमरजेंसी लग गई और इससे देश भर में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन गया। उसी समय इंदिरा अपने छोटे बेटे संजय गांधी को भी लॉन्च करने के लिए किसी सुरक्षित सीट की तलाश में थी, लिहाजा 1977 में संजय गांधी को कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, इमरजेंसी के वक्त जबरन लोगों की नसबंदी कराने वाले संजय गांधी के खिलाफ देश में गुस्सा था। यहां तक कि अमेठी के लोगों ने भी संजय का विरोध किया और वो चुनाव हार गए। उस चुनाव में जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की। हालांकि 3 साल बाद हुए चुनाव में संजय गांधी ने जोरदार वापसी की और करीब 2 लाख वोटों से रविंद्र प्रताप को हराकर अपनी हार का बदला ले लिया। तो इस तरह अमेठी से गांधी परिवार के रिश्ते की नींव पड़ चुकी थी। लेकिन संजय गांधी को अमेठी की सेवा करने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि 23 जून 1980 को एक प्लेन एक्सीडेंट में संजय की मौत हो गई। संजय की मौत के बाद राजीव गांधी लंदन से भारत वापस आए और राजनीति में एक्टिव हो गए। 1982 में इंदिरा गांधी ने AICC की बैठक में राजीव को अमेठी सीट से ही लॉन्च करने का मन बना लिया। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इंदिरा के फैसले का समर्थन किया।
इस तरह से राजीव गांधी ने अमेठी से उपचुनाव लड़ा और अपने कॉम्पिटिटर लोकदल प्रमुख शरद यादव को 2.5 लाख वोटों से हराया। लेकिन आगे चलकर गांधी परिवार को राजीव की इस जीत की कीमत चुकानी पड़ी। राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई बताते हैं कि अमेठी उपचुनाव में जब राजीव गांधी ने नामांकन किया तो मेनका गांधी उन्हें हराने की कोशिश कर रही थी। मेनका अपने पति संजय गांधी की सीट से उपचुनाव लड़ना चाहती थी। उन्हें लग रहा था कि संजय की राजनीतिक विरासत अमेठी पर कब्जा हो रही है, लेकिन मेनका की उम्र उस वक्त 25 साल नहीं थी, लिहाजा वो चुनाव नहीं लड़ सकती थी। ऐसे में वो चाहती थी कि उनकी सास यानी पीएम इंदिरा गांधी उनके लिए संविधान में संशोधन करें और चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कम करें, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसी खींचतान के बीच 28 मार्च 1982 को इंदिरा गांधी अचानक लंदन से भारत आईं, क्योंकि वो अकबर अहमद की ओर से आयोजित लखनऊ कन्वेंशन में मेनका के जाने से काफी नाराज थीं। पीएम मैडम मेनका को सबक सिखाना चाहती थीं। स्पेन के लेखक जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड सारी में लिखते हैं, इंदिरा के घर पहुंचते ही मेनका गांधी ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया। वो काफी गुस्से में थी। मेनका सिटिंग रूम में इंदिरा का इंतजार करती रही। कुछ देर बाद इंदिरा आई तो उन्होंने मेनका की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि इस घर से तुरंत निकल जाओ, मैंने तुमसे कहा था कि लखनऊ कन्वेंशन में नहीं जाना, फिर तुम क्यों गई? तुम्हें वही करना होता है जो तुम चाहती हो। तुम्हें लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। स्पेनिश लेखक मोरो के मुताबिक मेनका रात के करीब 11 बजे अपने 2 साल के बेटे वरुण गांधी के साथ सफदरगंज रोड स्थित पीएम हाउस से बाहर आईं तो कैमरों की फ्लैश लाइट चमकने लगी। बाहर मीडिया का जमावड़ा था और अगले दिन मेनका और वरुण की कार में बैठे हुए फोटो सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गांधी परिवार में जो दरार पड़ी वो आज तक नहीं भर पाई है। बताया जाता है कि अमेठी उपचुनाव में राजीव के जीतने के बाद मेनका भी लगातार अमेठी का दौरा करती रही। यहाँ तक कि 1984 में मेनका ने अपने ही जेठ राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से ही चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसी साल इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चीजें काफी बदल गईं और चुनाव में कांग्रेस को देश की सहानुभूति मिली। अमेठी में राजीव ने मेनका को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। उस हार के बाद मेनका ने कभी अमेठी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। 84 के बाद राजीव गांधी ने अमेठी से 1989 और 91 का चुनाव भी लड़ा और जीते। उनके कार्यकाल में अमेठी में कई बड़े काम भी किए गए। 1980 के दशक में राजीव ने अमेठी में जगदीशपुर इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया। अमेठी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए। 1982 में संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनवाया गया। 1983 में कोरबा में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एवियोनिक्स डिवीजन बनाया गया। 1984 में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स की स्थापना की गई। अमेठी से लखनऊ और वाराणसी तक सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया और अमेठी की बंजर जमीन को खेती के लिए रिवाइव किया गया। लेकिन देश और अमेठी में चल रहे विकास कार्यों पर मानो किसी की नजर लग गई थी। 21 मई 1991 को आतंकी समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने राजीव गांधी की बेरहमी से हत्या कर दी। राजीव की हत्या हुई तो पार्टी के लोग सोनिया गांधी पर राजनीति में आने का दबाव बनाने लगे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। राजीव की मौत के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने सतीश शर्मा को उतारा जो गैर गांधी परिवार से थे, लेकिन फिर भी वो जीते और कांग्रेस का दबदबा बना रहा। सतीश शर्मा ने 1996 में भी अमेठी सीट बचाई, लेकिन 1998 के चुनाव में बीजेपी के संजय सिंह कांग्रेस के पंजे से अमेठी की सीट निकाल ले गए। वहीं दूसरी तरफ देश की राजनीति भी तेजी के साथ बदलती जा रही थी। 1988 के बाद से ही कांग्रेस केंद्र और यूपी में सत्ता पाने के लिए छटपटा रही थी। जोड़ तोड़ की राजनीति चरम पर थी। सरकारें बन रही थी, बिगड़ रही थी। कांग्रेस में भी फूट पड़ती जा रही थी। ये सब देखते हुए पारिवारिक पार्टी को हाशिए पर आने से बचाने के लिए सोनिया गांधी ने 1997 में राजनीति में कदम रखा और 1998 में पार्टी अध्यक्ष बन गई। सोनिया ने 1999 में पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ा और करीब 4.25 लाख वोटों से जीती। 2004 के चुनाव हुए, यूपीए गठबंधन के जरिए कांग्रेस की देश की सत्ता में वापसी हुई। अब बारी थी गांधी परिवार के शहजादे की राजनीति में एंट्री होने की। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए अमेठी को सबसे सुरक्षित सीट माना गया और राहुल गांधी को पहली बार मैदान में उतारा गया। राहुल की सीधी टक्कर भाजपा और सपा के उम्मीदवारों से थी।
लेकिन कांग्रेस का गढ़ होने की वजह से राहुल को इसका फायदा मिला और वो करीब 3 लाख वोटों से जीते और संसद तक पहुंचे। इसके बाद अगले 2 चुनावों में भी राहुल को आसानी से जीत मिलती रही। हालांकि अमेठी में राहुल के कार्यकाल के दौरान केंद्र में यूपीए की सरकार थी और राज्य में सपा और बसपा की सरकार रही, लेकिन फिर भी अमेठी में कोई विकास कार्य नहीं हो पाया। राहुल गांधी ने कई परियोजनाओं का ऐलान तो किया, लेकिन मंजूरी में देरी के चलते सब अधर में ही लटकी रही। इन्हीं सब बातों को मुद्दा बनाकर 2014 में राहुल के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में उतारा। ईरानी अमेठी से अपना पहला चुनाव हार गई थी, लेकिन उन्होंने राहुल की जीत का अंतर काफी कम कर दिया था। चुनाव में हार चुकी स्मृति ईरानी लगातार अमेठी का दौरा करती रहीं और यहां के लोगों से अपना रिश्ता बनाने में कामयाब हो गई। और यही वजह रही कि 2019 के आम चुनाव में स्मृति ने राहुल गांधी को उनके ही गढ़ अमेठी में करीब 55,000 वोटों से मात दे दी। हार के बाद राहुल गांधी अमेठी सीट छोड़कर केरल के वायनाड पहुंचे तो विरोधियों को कटाक्ष करने का मौका मिलता रहा। इस बार के चुनाव में राहुल के पास मौका था कि वो फिर से अमेठी से चुनाव लड़कर अपनी खोई हुई सीट वापस पा सकते थे, लेकिन उन्होंने अमेठी की जगह रायबरेली से नामांकन भर दिया। अब हम बात करते हैं रायबरेली लोकसभा सीट की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस रायबरेली सीट से नामांकन भरा है, एक जमाने में उनके दादा फिरोज गांधी ने वहीं से चुनाव लड़ा था। ये बात आजादी के बाद की है, जब जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद से जुड़ी फूलपुर सीट को चुनावी राजनीति के लिए चुना था। तब नेहरू ने रायबरेली से अपने दामाद फिरोज गांधी को चुनाव में उतारा था और इसी वजह से रायबरेली को इंदिरा का ससुराल भी कहा जाता है। पहले चुनाव में ही प्रचंड जीत के साथ फिरोज गांधी ने अपनी लोकसभा सीट में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी थी। फिरोज के कार्यकाल के दौरान रायबरेली में सड़कें, जल नहरें, मिल्क फैक्ट्री, स्कूल और एजुकेशनल संस्थानों का जबरदस्त विकास हुआ। रायबरेली की जनता फिरोज के काम से काफी खुश थी, लिहाजा 1997 में फिर से उन्हें बंपर वोटों से जिताया। लेकिन 1960 में उनके निधन के बाद कांग्रेस के आरपी सिंह 1960 उपचुनाव और बैजनाथ कुरील ने 1962 के आम चुनाव में कांग्रेस की सीट पक्की रखी। 1967 में फिरोज गांधी की पत्नी इंदिरा गांधी ने भी अपने चुनावी राजनीति का आगाज रायबरेली से ही किया और लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की। 1971 के चुनाव में भी इंदिरा गांधी करीब 2 लाख वोटों से जीती, लेकिन समाजवादी नेता राजनारायण ने इंदिरा पर चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया और इस तरह देश में इमरजेंसी की नींव रखी गई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि इंदिरा ने चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने उन्हें दोषी माना और 1971 का चुनाव इनवैलिड करार दिया। इसके अलावा कोर्ट ने इंदिरा के अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। कोर्ट के फैसले से तिलमिलाई इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए 25 जून 1975 को जबरदस्ती देश पर इमरजेंसी थोप दी और संसद का सत्र बुलाकर और चुनाव से संबंधित कानून में संशोधन करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। यहां तक इंदिरा ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से भी हटा दिया। 2 साल तक देश को इमरजेंसी का दंड झेलना पड़ा। जब तक इमरजेंसी हटी, इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी काफी कम हो चुकी थी। इसका असर ये हुआ कि 30 सालों तक केंद्र में रहने वाली कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। खुद इंदिरा गांधी अपनी सीट रायबरेली भी नहीं बचा पाई। ये इंदिरा की पहली और इकलौती हार थी। हालांकि बाद में इंदिरा ने 1978 के उपचुनाव में चिकमंगलूर सीट से चुनाव लड़ा और फिर लोकसभा पहुंची। अब इंदिरा गांधी रायबरेली सीट हार चुकी थी, लेकिन फिर भी इस सीट पर नेहरू गांधी परिवार का ही दबदबा कायम रहा, क्योंकि इसी सियासी परिवार के एक और सदस्य अरुण नेहरू, जो कि राजीव गांधी के चचेरे भाई लगते थे, उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत भी रायबरेली से ही हुई थी। राजीव गांधी के करीबी अरुण नेहरू भी रायबरेली सीट से 1980 और 1984 में सांसद रहे। इसके बाद 1989 और 1991 के चुनाव में कांग्रेस की शीला कौल रायबरेली से जीती। शीला कौल इंदिरा गांधी की मामी लगती थी, मतलब फिर से ये सीट उसी परिवार के पास रही। लेकिन 1996 और 1998 में बीजेपी के अशोक सिंह ने इस सीट पर अपना दबदबा कायम रखा। उन दोनों ही चुनाव में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में नहीं उतरा था। 1999 के चुनाव में फिर रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम किया। तब कांग्रेस नेता सतीश शर्मा बीजेपी में शामिल हो चुके अरुण नेहरू को हराकर ये सीट जीते थे।
साल 2004 आया तो सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट छोड़ते हुए रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया और वो करीब 2.5 लाख वोटों से जीती। इसके बाद हुए 3 चुनाव में भी सोनिया गांधी रायबरेली सीट से ही जीती। अब उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला लिया है और अपनी सबसे सुरक्षित सीट अपने बेटे राहुल को दे दी है। अब देखा जाए तो अमेठी छोड़ चुके राहुल गांधी के लिए रायबरेली सीट जीतना भी कोई आसान काम नहीं होने वाला, क्योंकि आंकड़ों की माने तो पिछले 3 चुनाव में लगातार रायबरेली में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटता जा रहा है और बीजेपी का बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन सब चुनौतियों को पार करते हुए कांग्रेस के गढ़ को बचा पाने में कितने कामयाब हो पाते हैं, ये भी जल्द ही पता लग जाएगा। तो फिलहाल आज के इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।